आज शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ में क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी। बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है और बेसिक से मसाले जो अपने किचन में रहते हैं उसी में ये बन जाती है। हमें बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत सारे मसाले इसमें डालने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही अच्छी रेसिपी बन के तैयार होने वाली है और वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर ले लिया मैंने आधा किलो चिकन और चिकन को काट लिया मैंने स्ट्रिप कटिंग में। इस तरह से काट लेंगे स्ट्रिप कटिंग करके, तो हमारा जो चिकन है सारा कट के एकदम तैयार है। अब हम इसका करेंगे मैरिनेशन। मैरिनेशन के लिए हमें दही की ज़रूरत होगी और दही मैंने 2 चम्मच ले लिया है। 1 टीस्पून यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार डालें इसमें, जितना आप खाना चाहें उतना डालें। मिर्ची पाउडर डाल दी मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही डालेंगे यहाँ पे ड्राई पार्सली। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। इसकी जगह में आप ड्राई ओरेगानो डाल सकते हैं या फिर ड्राई हर्ब्स डाल सकते हैं। ऑप्शनली अगर आप डालना चाहें तो डाल दें। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे सारा चिकन को और इसको मैरिनेशन में रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए। तो चिकन को हो गए हैं 4 से 5 घंटे और इसके बाद हमने ले लिया एक पैन और पैन में डाल देते हैं ऑयल। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक हम ले लेते हैं एक बॉल में मैदा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ड्राई हर्ब्स। ऑप्शनली अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। इसको मिला लेंगे अच्छी तरह से। अब मैरिनेशन किया हुआ चिकन जो हमारा है इसको हम डालेंगे मैदे के अंदर में। मैदे के अंदर में हम इसको एक एक पीस करके डालेंगे इस तरह से। हमें एक साथ में नहीं डालना है ये, नहीं तो ये चिपक जाएगा साथ में, अच्छा नहीं, फ्लेक्सी नहीं होगा। तो इस तरह से हमें दबा लेना है चिकन को, अच्छी तरह से दबा लेना है। ऑयल हमारा बिल्कुल एकदम गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर में डालेंगे चिकन और चिकन को डालने से पहले हम इसको थोड़ा सा छांट लेंगे इस तरह से और उसके बाद इसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। चिकन को फ्राई करेंगे हम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से, और जब तक ये गोल्डन फ्राई कलर में ना आ जाए। और ये रेसिपी बनाने में देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है। कॉमन से मसाले हैं, इंग्रेडिएंट्स बहुत कम हैं और आसान से झटपट से बनने वाली रेसिपी है। मेन है इसमें कि आप इस चिकन को जब भी बनाएं इसको मैरिनेशन में ज़रूर रखें। 5-6 घंटे के लिए इसको बना के मैरिनेशन में रखें, उसके बाद ही इसको बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होएगा। बहुत ही ज़्यादा इसमें अच्छा एक टेस्ट आता है मैरिनेशन करने के बाद। क्रिस्पी फ्राइड चिकन हमारा बन के एकदम तैयार हो चुका है। साथ ही सर्व करेंगे इसको हम डिप के साथ में, और आप चाहें तो इसको टमाटो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेयोनीज का डिप बना रखा है, मैं उसके साथ में सर्व कर रहा हूँ इसको। मैं आपको एक चिकन का पीस तोड़ के दिखाता हूँ, देखिए कितना टेंडर और कितना जूसी बना हुआ है। देखिए बहुत ही टेंडर और जूसी बना हुआ है ये चिकन, बहुत ही सॉफ्ट हो रखा है अंदर से और बाहर से बहुत अच्छा क्रिस्पी हो रखा है। जो डिप मैंने ये बना रखी है ये मेयोनीज की है। मेयोनीज ले लिया मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ले लिया टमाटो केचप और 1 टीस्पून इसमें डाला है चिल्ली गार्लिक सॉस और साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून इसमें डाला है चिल्ली फ्लेक्स। और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और उसके बाद आप अपने क्रिस्पी फ्राई चिकन के साथ में इसको सर्व करें। बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ में ये क्रिस्पी फ्राई चिकन खाने में, और बहुत ही मज़ेदार की रेसिपी बनी हुई है। और आप भी ट्राई करें इसी तरह से, आप भी बनाएं और ट्राई करें, कमेंट करें कैसा बना आपका क्रिस्पी चिकन। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपको एक नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। अपनों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें।